नमस्कार, मेरा नाम जयंत कुमार सिंह है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, IIT कानपुर में। स्वागत है आपका इस कोर्स में, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। और ये पहला लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम कुछ फंडामेंटल जो चीज़ें जो पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। पर्टिकुलरली दो चीज़ों पे ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एक तो आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के बारे में, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम के बारे में। पर पहले हम जानें कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक्स दो शब्दों से बना हुआ है। जो टर्म है, जो शब्द है थर्मोडायनेमिक्स, वो थर्मे जिसे हीट का मतलब हीट है, और डायनेमिक्स जो कि पावर, इसका मतलब पावर है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो सब्जेक्ट है, ये फोकस करता है किस तरह से आप हीट को कन्वर्ट करें पावर में। मतलब ये है कि किस तरह से आप वर्क एक्सट्रैक्ट करें और इवेंचुअली आप यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स, वो बेसिकली एक साइंस है, साइंस ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इसका जो यूज़ है वो हर नॉर्मल डेली लाइफ में से लेकर अ वेरी हाई एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे भी यूज़ होता है। जहाँ तक कि आपके फ़ोन की बात करें और या आप इंजन की बात करें, इन सब जगह आपका ये थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि पहले तो आपके फाउंडेशंस के बारे में जो बेसिक लॉज हैं इसको समझने का, और किस तरह से हम इसे यूज़ करें डिफरेंट एप्लीकेशंस में। और वन ऑफ द एप्लीकेशन हम जो कंसिडर करेंगे वो है बेसिकली इंजन्स, जैसे कि स्टीम हुआ आपका इंजन हुआ, या आपके जो कार इंजन है टिपिकली, वो सब चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट पहले तो ये कुछ एग्जाम्पल दिया जाए जिसमें कि हम स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि थर्मोडायनेमिक्स थर्मे और डायनेमिक्स से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ हीट टू पावर है। जो क्लासिक एग्जाम्पल हैं वो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक सिंपल सा मिक्सर है, राइट, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है, ओके। एंड दूसरा एग्जांपल है आपका जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो इस पे इसकी इफ़िशेंसी और इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे बाद में। बट इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं इसको काफ़ी अच्छे से समझा जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, और इसका यूटिलिटी और कैसे किस तरह से आप सिस्टम को या इन जनरल डिवाइसेज, जिसे जैसे एक ये डिवाइस है, इसको कैसे इफ़िशेंट बना सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा आपके 11th या 12th क्लास में। और वो वन ऑफ द फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल लॉ जो इसे कहते हैं, जो है फर्स्ट लॉ। इसका बेसिक स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ये जैसे पत्थर है, ये इनिशियली अगर रेस्ट पे है एट सर्टन हाइट, किसी पर्टिकुलर हाइट पे, जो सपोज फॉर एग्जांपल ये इसके एनर्जी करंटली 10 यूनिट्स है, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में कि यूनिट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर दिस लेक्चर में। बट इनिशियली इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब कि कोई वेलोसिटी नहीं है, और ये अब इसे छोड़ा जाता है तो इवेंचुअली आप देखेंगे बीच में इंटरमीडिएट जहाँ पे पूरा कम्प्लीटली गिरा नहीं है नीचे, ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है, लेकिन बाकी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं आपके काइनेटिक एनर्जी में, और इवेंचुअली यहाँ पे आके आपके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बट बाकी सब कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। अज्यूमिंग कि बाकी कुछ एनर्जी जो है फ्रिक्शन या बाकी चीज़ों पे लॉस ना हो। ये पहला आप लॉ है जो सिंपली ये कहता है कि भाई एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ दूसरा जो स्पेसिफिक लॉ है वो डायरेक्शन से डील करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और उस प्रोसेस की वैलिडिटी वैसे होगी कि नहीं होगी वो सेकंड लॉ पे भी डिपेंड करता है, जो कि हम भी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप अगर इसे देखें
ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में नॉर्मल घर में देख सकते हैं, या इन जनरल जो आपके आमने सामने सब दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉफ़ी मग ले जो कि एक हाई टेम्परेचर पे होता है, और आपने आपका रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो नेचुरली आप देखते हैं कि भाई जो हीट फ्लो है, या इंट्यूशन ये कहता है कि हीट फ्लो जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होगा, दैट इज़ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट हीट फ्लो, मतलब ये फ्लो है, प्रोसेस का फ्लो है। ये कभी नहीं होने वाला कि यहाँ से ये कूल इन्वायरमेंट, मतलब कोल्ड टेम्परेचर से आपका कॉफ़ी को हीट ट्रांसफ़र होता है और कॉफ़ी गर्म हो जाता है, ये कभी आप देखेंगे नहीं। तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है, ये नेचुरल प्रोसेस का ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, राइट। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं और इसमें करंट अगर फ्लो करता है, तो ना तो हीट नॉर्मली जनरेट होता है, बट हीट अगर आप ये नहीं कर सकते कि हीट अगर आप अप्लाई करें इस पर्टिकुलर सर्किट पे तो करंट फ्लो हो जाए, ये कभी नहीं होगा। तो प्रोसेस जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है, और यही एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द सेकेंड लॉ। हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे लेटर, बट किसी भी प्रोसेस को का होना दो लॉज पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो ऑफ कोर्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जब ये वैलिड होता है, तो सेकेंड सेकेंड लॉ स्पेसिफिक है, वो डायरेक्शन को डील करता है, और ये भी वैलिड होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में अगर देखें तो भाई जितना एनर्जी सपोज यहाँ से निकालते हैं, उतना एनर्जी अगर देने के बावजूद भी आपका जो है कॉफ़ी जो है वो गर्म नहीं होगा, फर्स्ट लॉ फिर भी अगर वैलिड है, इसका कहीं इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रोसेस अकर करता है। सो दैट इज़ समथिंग विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ समझा जाए कि फर्स्ट लॉ वैलिड होने की वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस वैलिड हो, प्रोसेस अकर करे। प्रोसेस अकर करने के लिए दोनों लॉज का वैलिड होना ज़रूरी होता है। हम इसके बारे में चर्चा और करेंगे, इसे इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक रहेगा इस कोर्स में, दोनों फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम जिस्ट मतलब इसके संक्षिप्त में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से ये कोर्स किस तरह से और एक्सपैंड होगा। थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा रोल है इंजीनियरिंग कैरियर में, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, रेस्पिरेशन इंजीनियर हो, या केमिकल इंजीनियर हो। इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इनहेरेंट काम करता है डिसीजन मेकिंग में, पर्टिकुलरली डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम एंड प्रोसेसेस में। या कोई ऑलरेडी एक प्रोसेस अगर होता है, या सिस्टम जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे इम्प्रूव करें, इस पर भी थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एक अमोनिया प्रोडक्शन, जो कि बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइज़र का, इसके लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और रिएक्शन अगर होता है तो अमोनिया निकलता है। तो एज ए इंजीनियर आपके पास कई क्वेश्चंस आएंगे जब ऐसा स्पेसिफिक कंडीशंस आएंगे, कि पहला तो ये कि भाई कहाँ से आप ये रॉ मटेरियल निकाल लिया, किस फॉर्म में लिया जाए, इस रिएक्शन को अगर करने के लिए, इस रिएक्शन का होने के लिए आपके पास आपको क्या किस टेम्परेचर प्रेशर, क्या उसका रेशियो ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, या कितने एनर्जी आपको यूज़ होगा। तो अगर इसका थोड़ा सा डिटेल में जाए तो ये प्रोसेस एसेंशली ऑफ कोर्स ये गैस फॉर्म में है, इसको कंप्रेस करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कंप्रेस करके आपको प्रेशर आपने इन्हेंस कर दिया, और फिर इसके बाद आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, और वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन कि ये पर्टिकुलर का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, सच दैट कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ओके, मिक्स करके आपने बेसिकली इसे रिएक्टर पे लेके आ गए हैं, क्योंकि रिएक्टर रिएक्शन अगर हो रहा है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे। उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है, तो ऑफ कोर्स आपने इसको एक कंडेंसर लेके इसको लिक्विड फॉर्म में करके आपने उसे सेपरेट कर दिया, ये प्रोसेस है। ओके, हम क्यों कर रहे हैं इस पे, इसका ऑफ कोर्स डिटेल एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे अभी, बट इन जनरल द कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपने आपको ये रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पर करना है, और उसके बाद क्योंकि रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा नहीं,
100% रेयरली होगा, बट इन जनरल होगा नहीं। तो वो कैटालिसिस कैटालिस पे डिपेंड करता है, और एक्सटेंट आप कितना समय रखते हैं, और 50 और चीज़ों पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिएक्टेंट जो है वो बचे रहेंगे, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा अगर आपको अमोनिया निकालना है। तो लिक्विड में अगर कंडेंस करते हैं तो लिक्विड आपका अमोनिया जल्दी कंडेंस हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो वापस आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है अमोनिया सिंथेसिस का, और इसमें कई क्वेश्चंस आपके पास, जैसे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि कई क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आएंगे, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चंस आपने पहले ही आपके दिमाग में आया। सेकंड क्वेश्चंस ये भी आएगा कि भाई आपने कितना इसके हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं तो कितना आपको एनर्जी चाहिए, या कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं तो कितना एनर्जी चाहिए जिससे कि आपको कूल कर सके, तो कूलिंग के लिए आपके पास कितना अमाउंट ऑफ किस टेम्परेचर पे आपको रेफ्रिजरेंट यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना पड़ेगा, कितना आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए, और इवेंचुअली तो ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा एज एज ए इंजीनियर। सो इन समरी थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली स्टडी ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, बट ये आपको इसके माध्यम से आपको इनेबल करता है, आपको एम्पावर करता है, आपको आपके पास एनफ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि आप एज ए इंजीनियर इन सब क्वेश्चंस को आंसर कर सके। और इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है फेज चेंज, कि ये पर्टिकुलरली फेज लिक्विड गैस ये सब चीज़ कौन सा यूजफुल रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स फेज चेंज के बारे में और डीपली आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट हम कई जगह अप्लाई करते हैं, और पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल स्केल में प्लांट जो पावर प्लांट हमारा यूज़ होता है टू जनरेट पावर, इसमें हेविली यूज़ किया गया है डिज़ाइन करने के लिए आपके डिफरेंट यूनिट्स, और डिज़ाइन करने के लिए आपके डिवाइसेज जिसे कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट ऑपरेशन भी हुआ। ये शब्द आप एज ए केमिकल इंजीनियरिंग आप बहुत कॉमनली सुनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप भी सुनेंगे इसके बारे में। सो अगर आपके पास थर्मोडायनामिक एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन यू कैन अप्लाई, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि स्टीम ड्रम एप्लीकेशन में, या टर्बाइन हीट एक्सचेंजर पंप में। तो एक जनरल एक स्कीमेटिक है ये स्टीम पावर प्लांट में। इसमें बेसिकली आपका स्टीम जो है वाटर यूज़ होता है एज अ वर्किंग फ्लूइड, और ये एक इसको एक सर्टन टेम्परेचर प्रेशर पे हीट किया जाता है। तो ये फाइनली स्टीम जो है आपका टर्बाइन में जाता है, और टर्बाइन का बेसिक काम क्या है कि वो इसी हाई टेम्परेचर प्रेशर को यूज़ करके वर्क में कन्वर्ट करता है, और जो लो प्रेशर जब एग्ज़िट में लो प्रेशर पे आपका ये वाटर निकलता है और स्टीम जो ऐसा है, और इवेंचुअली हीट एक्सचेंजर और पंप के माध्यम से इसे रिसाइकल किया जाता है। इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स में, पर मोर और लेस इस पूरे कॉन्सेप्ट में फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हैविली यूज़ होता है टू डिज़ाइन जितने आपके यूनिट ऑपरेशन है। इसमें आपने नोटिस कीजिएगा कि ये जो कोयला यूज़ किया गया है, और इस नॉर्मली ये दिस कोल पावर प्लांट हुआ जिसमें कि कोयला यूज़ होता है टू हीट द वाटर आपको सर्टन टेम्परेचर प्रेशर बनाने के लिए। और जो कोयला जब हीट होता है बर्न होता है तो आपके साथ में जो गैस निकलती है वो CO2 हुआ, SO2 हुआ, और बाकी और चीज़ें, इसे हम फ्लू गैस कहते हैं। और ये CO2 SO2 और NOx और बाकी जो गैस में निकलते हैं फ्लू गैस में, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये फाइनली गैस प्योरीफायर भी यूज़ होता है, एस सेपरेटर भी यूज़ होता है, और बाद में हवा में छोड़ने से पहले ये सब को क्लियर करना और सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अब तो और मैंडेटरी होते जा रहा है कि आप कार्बन CO2 को कैप्चर करें, और उसके बाद उस कैप्चर को किस तरह से यूटिलाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया इंडस्ट्री में आजकल।
ये बड़ा एक ये तो स्कीमेटिक इमेज है आपका पावर प्लांट का, ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है प्रॉपर पावर प्लांट का। इस तरह से इतने लार्ज स्केल में पावर प्लांट होता है, कई किलोमीटर तक होता है। रिफाइनरीज तो और डिपेंडिंग ऑन, जैसे जामनगर रिफाइनरी हुआ तो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कई है, कई हंड्रेड्स में, कई किलोमीटर्स में उसके एक्सपैंड हुआ है। तो ये स्कीमेटिक जो है ऑफ स्टीम पावर प्लांट है, और ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ रियल इमेज है पावर प्लांट का। कई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कॉमनली यूज़ करेंगे कई और प्रैक्टिकल चीज़ों में भी, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपके मैनेजमेंट ऑफ हीट लोड जो घर के हैं, जैसे कि अगर आपको सोलर पावर कलेक्टर लगाने हैं या पैनल्स लगाने हैं तो कितना लगना चाहिए, ये सब बेसिक एनालिसिस, कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी, ये सब आप आराम से कर सकते हैं थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। रेफ्रिजरेशन सिस्टम हुआ, रेफ्रिजरेटर, फूड, ऑटोमोबाइल या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का, या पावर प्लांट तो है ही, और साथ में केमिकल प्लांट्स भी आपके, यू कैन अप्लाई थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कई साइंटिस्ट का इसमें क्रेडिट गया है, जो कॉमनली हम इस कोर्स में ज़्यादा सुनेंगे वो है रैंकिन, विलियम रैंकिन, रॉडोल्फ क्लॉसियस, लॉर्ड केल्विन एंड विलियम गिब्स, बट कई और भी नाम आएंगे यहाँ पे। बट ये दीज जो नाम जो दिख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड एज वेल एज जो कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा किए हुए हैं। रैंकिंग की वजह से आपके रैंकिंग साइकिल बनी है, क्लॉसियस का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को समझने में, केल्विन का ऑफकोर्स केल्विन स्केल है, और गिब्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है फ्री एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने में, या इन जनरल टू फेज सिस्टम को समझने में। स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक में, बिकॉज अगर आप कुछ फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और बिना बिना यूनिट्स के, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फोर्स हुआ, मास हुआ, एनर्जी हुई, उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। बिना यूनिट के मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। इसमें दो प्रकार के डायमेंशंस होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग प्राइमरी फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं, जिसमें कि आपके मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, और दूसरा एक सेकेंडरी डायमेंशंस जिसे कहते हैं, जो डिराइव होता है प्राइमरी डायमेंशंस से, जैसे कि वेलोसिटी हुआ जो कि आपका लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, एनर्जी हुआ आपका, वॉल्यूम हुआ जो लेंथ के पे डिपेंड करता है, एंड सो फोर्थ। तो इस ये जो डिपेंडेंस है, इसको हम कई सिस्टम के अंतर्गत हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जो बेसिक जो प्राइमरी फंडामेंटल डायमेंशंस को अगर डिफाइन कर दे, जैसे मास को अगर हम लोग ग्राम कहे, तो कुछ और एक फंडामेंटल और मेट्रिक सिस्टम निकल के आ जाएगा, और कुछ और सिस्टम निकल के आ जाएगा। अगर हमने सपोज़ फॉर एग्जांपल मास को लेंथ को मीटर कहा, मास को केजी कहा, टाइम को एस कहा, टेम्परेचर को केल्विन कहा, एम्पेयर ए हुआ, कैंडेला अमाउंट ऑफ लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, मोल है, तो ये जो फॉर्म है, ये जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, ये इसको हम SI यूनिट कहते हैं, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स हुआ ये। इसमें लेंथ को हम लोग मास और लेंथ को मीटर और मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, एंड सो फोर्थ। सिमिलरली CGS यूनिट हुआ, इंग्लिश यूनिट हुआ, ये अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों ने सिस्टम बनाए हुए हैं, बट कॉमनली जो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज में यूज होता है, जो एक्सेप्टेबल है, वो बेसिकली SI यूनिट है। SI यूनिट में आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्स भी होता है, जैसे कि आपका टेरा हुआ, गीगा हुआ, सो फोर्थ। किलो में बस ये ध्यान देना होता है कि किलो में के स्मॉल होता है, कई जगह गलती से लोग ये भी लिख देते हैं कि किलो ग्राम, जिसमें के कैपिटल लिख देते हैं, बट कैपिटल के रिप्रेजेंट करता है केल्विन को। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनैलिटी। कहने का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है ए प्लस बी गोज़ टू सी, सो ए और बी का यूनिट तो सेम होना चाहिए क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली सी का भी यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये होमोजेनियस है, मतलब हर टर्म जो है वो सेम होगा।
हमारा इंटरेस्ट अप्लाई करने का थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम में. तो सिस्टम जो है एक कुछ भी आप ले सकते हैं, इंजन इंजन हुआ, चाहे वो घर का कोई आपका घर हुआ. तो एक रीजन होगा जिस पे आप अप्लाई करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, जो कि जिसे हम सिस्टम कहेंगे. तो सिस्टम इज़ बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चोजन फॉर स्टडी. सराउंडिंग उसके जो बाहर है, और बाउंड्री जो है वो रियल, और जो जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग में, वो रियल या इमेजिनरी भी हो सकता है. और ये बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है. इस बाउंड्री का जो है उसके थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल होती है और मास ज़ीरो होता है. एग्जाम्पल के तौर पे जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है वो एक रिएक्टर भी हो सकता है, आपका सॉफ्ट ड्रिंक का कैन भी हो सकता है, इंजन भी हो सकता है, आपका अर्थ का एटमोसफेयर भी हो सकता है, और टब वो इंजन भी हुआ, या कोई भी आप इंटरेस्ट है जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं लॉस को, जो फंडामेंटल लॉस हैं. सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं. एक हो गया आपका क्लोज सिस्टम, जिसमें कि आपका सिस्टम के अंदर मास नहीं जा सकता सराउंडिंग से, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में भी नहीं जा सकता है, और सराउंडिंग से भी नहीं आ सकता. तो मास कांस्टेंट है, ओके, तो मास अलाउड नहीं है. ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम, ओके. वॉल्यूम जो है लेकिन चेंज हो सकता है. अगर ये पिस्टन है तो ये ऊपर नीचे आ सकता है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर कुछ यहाँ पे हीट लगा दिया, तो आपका ये पिस्टन जो है वो ऊपर जा सकता है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है. तो इसलिए अच्छा, सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो सकता है. जैसे मैंने ये किया, तो एनर्जी आपके सराउंडिंग से ट्रांसफ़र हो सकता है, सिमिलरली सिस्टम से भी सराउंडिंग जा सकता है. तो क्लोज सिस्टम में मास अलाउड नहीं है, बाकी एनर्जी अलाउड हो सकता है, और आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है. उसका एक सबसेट है आइसोलेटेड सिस्टम. अगर आपका एनर्जी भी अलाउड नहीं है तो उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. दैट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम में आपका मास भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं कर सकते आप सिस्टम का, और एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये आपका स्पेसिफिक केस हुआ आइसोलेटेड सिस्टम. फिर आपका आता है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में आपका मास भी क्रॉस कर सकता है बाउंड्री को, एनर्जी भी क्रॉस कर सकता है बाउंड्री को. तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. एक नोजल जो नॉर्मली यूज़ होता है प्रेशर चेंज करने के लिए, तो आपका ये फ्लो है, इसमें आपका जो ये दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये आपका एक सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम इसे कहेंगे. इसमें हम लोग यूजुअली टर्म यूज़ करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम. जैसे कि क्लोज सिस्टम में कंट्रोल मास हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मास फिक्स्ड है, इसमें कंट्रोल वॉल्यूम कह रहे हैं. और इसका एक इमेजिनरी, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये नोजल में ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका एक रियल बाउंड्री है, जबकि डॉटेड ये वाला पार्ट जो है ये आपका एक इमेजिनरी है, बिकॉज ये फ्लो को सेपरेट कर रहा है. जो फ्लो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और इस रीजन के अंदर जा रहा है, तो उसको सेपरेट कर रहा है. तो ये फिक्टिशियस हुआ है. तो ये आपका नॉर्मल कंट्रोल वॉल्यूम है. कंट्रोल वॉल्यूम कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हो. जैसे कि अगर आपके पास ये एग्जांपल लेते हैं, जिसमें पिस्टन सिलेंडर है, इसमें एक इनलेट है, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम का जो बाउंड्री है ये मूव कर सकता है, क्योंकि आपका फ्लो इधर आ रहा है तो ये ऊपर जा सकता है. तो बाउंड्री जो दिख रहा है वो ये मूवेबल बाउंड्री है इस पर्टिकुलर केस में. फिर आपके एग्जांपल आता है हीट वाटर वाटर हीटर की तरह, जिसमें कि इनलेट आउटलेट फिक्स्ड है, तो बाउंड्री भी फिक्स है, और एक स्पेसिफिक रीजन है आपका कंट्रोल वॉल्यूम का. ये एग्जांपल है जिसमें कि एन ओपन सिस्टम विथ वन इनलेट एंड वन एग्जिट. इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंट्रोल ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग से. कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है. जैसे कॉफ़ी कप है, इसमें आपका वेपर भी निकल रहा है, तो इसमें मास भी निकल रहा है और एनर्जी भी जा रही है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया. ये आपका स्पेसिफिक कैन है, सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे होगा, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा. तो एज्यूमिंग कि ये ठंडा है कैन, तो ये स्पेसिफिकली क्लोज सिस्टम हो गया. और ये इसमें एज्यूमिंग कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये थर्मस जो है वो कम्प्लीटली टेम्परेचर मेंटेन करता है इनसाइड, इसका मतलब ये है कि आइसोलेटेड है ये. तो इन जनरल ये रिप्रेजेंटेशन है कि भाई ओपन सिस्टम जो है एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग से, क्लोज सिस्टम केवल एनर्जी और कर सकता है, और आइसोलेटेड कुछ नहीं.
सो ये इस लेक्चर में इतना ही कवर करना था, जिसमें कि हम लोगों ने मेट्रिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और सिस्टम के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट स्टेट पोस्टुलेट इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा लेक्चर, एंड फिर से आपको देखने की आशा रखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।